फर्स्ट सवाल है, क्या है टेंस इंट्यूशन और आर है 75, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, टेन बाय 75, टू बाय कितना 50। तो ये तो रेडियन है ना भैया, ये रेडियन में निकला, डिग्री में यदि निकालना है 2/50 मतलब बना ही लोगे, रेडियन में भी कर सकते हो आंसर, रेडियन कर दो आंसर, डिग्री नहीं ना बोला है कि डिग्री काम नहीं कर रही, रेडियन रेडियन में आंसर हो सकता है 2/50 इन रेडियन। इसी तरह से तीनों सवाल बना लेंगे, ग्राफ ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ करवाओ, सुबह तो करवाए और दिन भर यही करवाते रहे, सुबह भी करवाए और शाम में भी, कल करवाए थे ना, तेरे को समझ नहीं आई कल करवाए थे तो। आर्यन बाक्सी, तुम कहां गए थे सुबह में? कल क्लास हुई ना, कल क्लास हुई है, कल क्लास हुई है, आज नहीं हुई है। ग्रुप पे 4 बजे शाम के लिए लिखे थे, सुबह के क्लास में हुई है ना, इसको मिटा दो बच्चे, और अक्षत गुप्ता आया है, चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे थोड़े बेसिक को फिर से देख लेते हैं, है ना, सुबह के क्लास अटेंड नहीं करोगे भाई, किस क्लास उसके बाद कहोगे ये करवा दो वो करवा दो, हमको तो पेंडुलम बना के रखा है भाई, तुम लोग एक चैप्टर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। देखो एक बार फिर से देखना ध्यान से, सबसे पहले इस क्वाड्रेंट को समझते हैं, ये 0 डिग्री, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, है ना, फर्स्ट रोटेशन ऐसे घुमा π/2 π/2 पर, सेकंड राउंड में जब जाएंगे तो अब ये देखो 3π/2 से ये 2π आ चुका है, ये अब 2π आ गया, ये हो गया 5π/2, ये हो गया 3π, और ये हो गया 7π/2, फिर ये हो गया 4π, मतलब क्या है, ऐसे घूमे फिर यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आए, यहां से ये क्वाड्रेंट π/2 π/2 के बाद, हर π/2 रोटेशन के बाद, जरा गौर फरमाना, हर π/2 रोटेशन के बाद क्वाड्रेंट बदलते रहता है, हर π/2 रोटेशन के बाद क्वाड्रेंट बदलते रहता है। तो जनरल भाषा क्या लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट को यदि कोई एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है तो यदि थीटा 2n π से 2n π + π/2 होगा तो ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल। पहले ये बात समझने की कोशिश करो बच्चे, थीटा यदि 2n π से इवन पाई प्लस थीटा होता है तो उसे हम लोग कहेंगे कि एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। मिसाल के तौर पे एन को 0 यदि करते हैं तो एन 0 है तो 0 से लेकर के π/2 थीटा यदि है फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, एन यदि 1 पे ये क्या हो जाएगा 2π से थीटा 5π/2। अब जरा देखो 2π से 5π/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बताया, अब देखो यदि
ये आया 4 पाई से थीटा 9 पाई बाय 2। तो मसलन एक बात तो समझ में आ ही गई कि थीटा यदि इवन पाई से इवन पाई प्लस थीटा यदि है एंगल इवन पाई प्लस पाई बाय 2 यदि है तो ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा है ना। और यदि इसी में इस क्वाड्रेंट को एक्सप्लेन करने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट को एक्सप्लेन करने के लिए क्या मसला, सेकंड क्वाड्रेंट को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो जरा देखो ये है ऑड ऑड और ये है ऑड पाई माइनस पाई बाय 2, उसमें से पाई बाय 2 सबट्रैक्ट कर दो तो देखो थीटा ये है ना 2n प्लस 1 पाई माइनस पाई बाय 2 से थीटा 2n प्लस 1 पाई और 2n माइनस 1 पाई माइनस पाई बाय 2 से थीटा 2n माइनस 1 पाई यदि रहता है यदि इस टाइप का दोनों ऑड का रिप्रेजेंटेशन है प्लस 1 लिखो या माइनस कुछ भी लिखो दोनों ऑड का रिप्रेजेंटेशन और एक और काम कर सकते 2n pi plus pi by 2 से है ना theta 2n plus 1 pi तक होता है। देखो इसी को लिखे हैं इसे तो क्या कहेंगे एंगल will be in second quadrant। ये बच्चे समझ गए बात, पहले देखो तो एंगल कब किस क्वाड्रेंट में जाएगा उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। विकास गुप्ता समझे नहीं इस एक्सरसाइज का मतलब, व्हाट इज दिस, चलो पहले लिख लो विकास गुप्ता जल्दी लिख लो बच्चे तेरी बात भी हम नहीं समझ पाए। अच्छा तमिया समझ में आ रहा है ना, तो अब देखो बच्चे इधर मैं जाता हूं ध्यान से समझो कि आसान चीज है सर। यहां देखो मिसाल के तौर पे जैसे मैं इसको लेता हूं n जीरो कर लो, n जीरो कर लो थीटा हो गया पाई बाय 2 से पाई, n1 कर लो n1 कर लो थीटा क्या हो गया 3 पाई पाई बाय 2 से 3 पाई, तो ये क्या बता रहा है एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट, एंगल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब जब हम लोग इस मामले को समझ गए तो हमारा काम यहां है हम इस एंगल को इस क्वाड्रेंट को एक्सप्लेन करें। तो ये क्वाड्रेंट का ये लाइन है 2n माइनस 1 पाई और ये लाइन है 2n माइनस 1 पाई प्लस पाई बाय 2 या फिर 2n पाई माइनस पाई। तो देखो बच्चे कि इफ 2n माइनस 1 पाई से बड़ा थीटा 2n पाई माइनस पाई बाय 2 से लाइज करता है, इफ थीटा लाइज इन दिस, थीटा लाइज इन दिस देन एंगल विल बी इन थर्ड
मिसाल के तौर पे n को 1 रख लो, पाई से यदि n 1 पे, पाई से यदि थीटा 3 पाई बाय 2 का बीच में, n को 0 रख लो, माइनस पाई से यदि थीटा माइनस पाई बाय 2 का बीच में, तो क्या होगा? सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। जो बच्चे ये बात समझ गए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बात समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं फोर्थ। ये 2n पाई है और ये 2n पाई माइनस पाई बाय है ना। अब देखो इफ थीटा लाइज इन, थीटा बिलोंग्स टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2, 2n पाई माइनस पाई बाय 2 से 2n पाई, देन एंगल विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मामला क्लियर हो गया, सब लोग लिख लो, एंगल विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। जल्दी लिखो बच्चे, लिख लिया बच्चे। मिटा दो, अब ये पहचानने तो सीख गए कि किस टाइम किस क्वाड्रेंट में कोई एंगल जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, हमने पहले 10th क्लास में पढ़ रखे हैं, यहाँ पे ऑल साइन थीटा कॉसेक थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉस थीटा ऑल साइन टैन कॉस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होगा। इसका ये मतलब होगा है, इसको पहले समझेंगे है क्या। जैसे एक ट्रायंगल हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना दी और उसका परपेंडिकुलर मान लो मिसाल के तौर पे 1 है और ये 2 है और ये रूट 5 है, और ये यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बन रहा है तो यहां साइन थीटा हम लोग लिखेंगे है ना, साइन थीटा लिखेंगे 1 बाय रूट 5, कॉस थीटा हमने लिखना है 2 बाय रूट 5, टैन थीटा हमने लिखना है 1 बाय 2, कॉसेक थीटा लिखना है रूट 5, सेक थीटा लिखना है रूट 5 बाय 2, कॉट थीटा लिखना है। ये मामला है, यानी जो जिसका बन रहा है सारा पॉजिटिव, लेकिन यही ट्रायंगल तो यहां क्या है कि थीटा लाइज इन, इफ थीटा लाइज इन
फर्स्ट क्वाड्रेंट, या तो ऐसा कर दिया या कह दिया डोमेन देकर, डोमेन भी पहचान नहीं सीख गए। अब दूसरा कहता है इफ थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, थीटा यदि सेकंड क्वाड्रेंट, तो ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, ये वन है, ये टू है, ये रूट फाइव, ट्रायंगल तो ऐसा है, लेकिन थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा यदि सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा तो यहां पे साइन थीटा लिखेंगे वन बाय रूट फाइव, कॉस थीटा लिखेंगे माइनस टू बाय रूट फाइव, टेन थीटा लिखेंगे माइनस वन बाय टू, कॉस थीटा लिखेंगे माइनस टू, सेक थीटा लिखेंगे माइनस रूट फाइव बाय टू, और कॉसेक थीटा लिखेंगे रूट फाइव, क्योंकि सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, रेस्ट निगेटिव होता है। तो ये बातें हमें हर समय ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या कह रहा है। कभी कभी कह दिया गया सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, और कभी कभी डोमेन दे देगा सेकंड क्वाड्रेंट को पहचान करना। और यदि इसी में मिसाल के तौर पे इफ थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट तो क्या होगा, ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, ये वन टू और रूट फाइव, तो साइन थीटा यहां माइनस वन बाय रूट कॉसेक थीटा माइनस रूट फाइव, टेन थीटा कॉस थीटा टू बाय रूट फाइव, सेक थीटा रूट फाइव बाय टू, टेन थीटा माइनस होगा टेन थीटा वन बाय टू और कॉस थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉस पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव, रेस्ट में सब में निगेटिव। मिसाल के तौर पे यदि इसी में ऐसा कहानी हो जाए इफ थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में तो कैसा ट्रायंगल बनेगा, ऐसा फोर्थ में यहां आए तो क्या होगा, साइन थीटा भी निगेटिव माइनस वन बाय रूट फाइव, कॉसेक थीटा माइनस रूट फाइव, कॉस थीटा टू बाय रूट फाइव, क्योंकि कॉस फोर्थ में पॉजिटिव, तो सेक थीटा रूट फाइव बाय टू, टेन थीटा माइनस वन बाय टू और कॉट थीटा माइनस। तो इस तरह से हमने देख लिया कि किस ट्रायंगल में, मतलब किस क्वाड्रेंट में रहेगा, तो कैसे एक ट्रायंगल से हम लोग को वैल्यू निकालना। चलो लिखो बच्चे जल्दी इसको। लिख लिया बच्चे, कुछ बच्चे आए, चार पांच बच्चे चले गए क्लास कर, बहुत अच्छे सब बच्चे हैं। साइन पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट,
पाई की वैल्यू, पाई क्या हुआ, पाई का वैल्यू तो कॉन्स्टेंट है भैया, अक्षत में पाई का वैल्यू तो कॉन्स्टेंट है वो सब किसी भी क्वाड्रेंट में, तो पाई चेंज नहीं होता। लिख लिया बच्चे 22/7 रेडियन पाई की वैल्यू, 3.14 भी लिख सकते हो, लिख लिया बच्चे। अब इस पूरे मामले का मतलब क्या था इसको जरा समझना है मुझे, ये आखिर इतना जो मसला था क्या था, इतना जो एक बोर्ड भर गया इससे क्या सामने आता है। देखो देखो मिसाल के तौर पे एक सवाल है, कह दिया इफ cos x इज इक्वल टू -3/5 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर फाइव त्रिकोणमैट्रिक लिख लिया बच्चे। अब देखो इस टाइप के सवाल में हमने पहला क्या करना है, cos x दिया है तो cos x होता है d/h, तो हमने एक ट्रायंगल बनानी है, थीटा x रखना है एंगल, ये बेस हो गया, बेस हो गया 3 और हाइट हो गया 5, तो अब हम ये निकालेंगे परपेंडिकुलर, तो P क्या हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9, 16, P हो गया 4। अब ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया 3, 4, 5। अब जब मैंने निकालना है साइन एक्स, साइन एक्स तो हमें ध्यान रखना होगा थर्ड क्वाड्रेंट बता रहा है ना, हर क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होगा, -4/5 है ना, 4 हो गया परपेंडिकुलर, 5 हो गया हाइपोटेन्यूज, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन है तो निगेटिव हो जाएगा, कॉसेक एक्स -5/2, सेक एक्स तो दे ही रखा है -5/3, टेन एक्स, जरा गौर फरमा, टेन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है 4/4 और cot x 3/4। तो बच्चे ये बातें समझ में आ गई कि कोई क्वाड्रेंट लिख दे और कोई एक वैल्यू दे दे तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम कैसे बनाते हैं, ये बातें समझ में आ गई बच्चे सबको। टोपी जी लिख लिया, मिटा दो बच्चे
सबने समझ लिया? कोई है जिसे नहीं समझ आई? खुशी शर्मा समझ लिया? If cot x is equal to minus 5 by 12, cot x is equal to minus 5 by 12, 5, other 5, trigonometric ratio. चलो जल्दी निकालो तो बच्चे इस सवाल को. cot x माइनस 5 बाय 12 है तो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बनाना. If x lies in second quadrant, if x lies in second quadrant, question में है if x lies in second quadrant. If x lies in second quadrant. तो देखो बच्चे हमने ट्रायंगल बनाया 12 pi 13. ये समझ गया हो? सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है परपेंडिकुलर 12 है, बेस पाई है 13. साइन थीटा साइन एक्स 12 by 13, कॉस एक्स माइनस 5 by 13, sec x माइनस 13 by 5, cosec x 13 by 12, cot x तो है 10x माइनस 12 by 5. सब लोग बना लिया बच्चे? सब लोग मैच कर लो, जिसका नहीं आ रहा है वो बताना. एक्सरसाइज 3.2 आप सब लोग कर लोगे, है ना? एक्सरसाइज 3.2 में कोई मसला नहीं सबको. यस एनसीईआरटी. दिख रहा है बच्चे? कोई बात नहीं, अभी एनसीईआरटी कर लो. दिख रहा बच्चे? देखो अब एक बार तो हमने ये बताए थे कि इस क्वाड्रेंट को हम कहते हैं इवन पाई प्लस थीटा, इस क्वाड्रेंट को कहते हैं ऑड पाई माइनस थीटा.
इस क्वाड्रेंट को कहते हैं r बाय प्लस थीटा, और फोर्थ को कहते हैं इवन बाय माइनस थीटा। ये हमें एंगल वन यदि मालूम हो तो बता देगा कि किस वेयर थीटा बिलोंग्स टू जीरो कोमा पाई बाय टू। थीटा जो है जीरो से पाई बाय टू में, तब ये कहानी लगा सकते। तो इस तरह से साइन इवन पाई प्लस थीटा यदि कभी हुआ तो ये बता दिया इवन पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लिहाजा साइन क्या होगा पॉजिटिव। कॉस इवन पाई प्लस थीटा है तो वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कॉस भी पॉजिटिव। देन इवन पाई प्लस थीटा यदि है तो टेन थीटा हो जाना है। कॉट इवन पाई प्लस थीटा यदि है तो कॉट थीटा हो जाना है। सेक इवन पाई प्लस थीटा यदि है तो सेक थीटा हो जाना है। कोसेक इवन पाई प्लस थीटा यदि है तो कोसेक थीटा हो जाना है। तो देखो बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट ये बता रहा है तो सब पॉजिटिव है तो सारे पॉजिटिव निकल जाएंगे। मिसाल के तौर पे इसका यूटिलाइजेशन क्या होगा, जैसे मान लो साइन पाई बाय थ्री, ये हुआ रूट थ्री बाय थ्री। साइन टू पाई प्लस पाई बाय थ्री, इसको क्या लिखेंगे इवन पाई प्लस थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो साइन पाई बाय थ्री और रूट थ्री बाय टू ही इसका वैल्यू। यदि मान लो साइन सिक्स पाई प्लस पाई बाय थ्री है तो भी ये साइन पाई बाय थ्री ही लिखा जाएगा और इसकी भी वैल्यू रूट थ्री बाय टू। यदि साइन थाउजेंड पाई प्लस पाई बाय थ्री है तो भी इसकी वैल्यू साइन पाई बाय थ्री लिखी जाएगी और वैल्यू हो जानी है रूट थ्री बाय टू। तो ये मामला समझ गए, ये ग्रहणा क्या चाहता है, इससे एक्शन हो क्या रहा है, इवन पाई प्लस थीटा से क्या क्या मिला, समझ गए बच्चे। लिख लिया बच्चे, अच्छा दुनिया मिटा दो, देखो अभी बच्चे जाने लगे क्लास से, उनकी क्लास खत्म हो गई बहुत सारे बच्चों। यदि मान लो सेकेंड क्वाड्रेंट का कोई मसला है, जैसे साइन सेकेंड कैसे पहचाने r पाई माइनस, क्या हो जाएगा नियम साइन थीटा, क्योंकि साइन सेकेंड में पॉजिटिव। कॉस से r पाई माइनस थीटा, ये भी पॉजिटिव होगा कॉस से थीटा। लेकिन कॉस r पाई माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस, क्योंकि सेकंड में कॉस नेगेटिव से r पाई माइनस थीटा माइनस sec थीटा। cot r पाई माइनस थीटा माइनस cot थीटा, सेकंड में सारा नेगेटिव एक्सेप्ट sin एंड cos r पाई माइनस थीटा माइनस tan। तो ये कब हमारा फायदेमंद होगा, जैसे मिसाल के तौर पे साइन पाई बाय सिक्स यदि मान लो वन बाय टू है तो साइन पाई माइनस पाई बाय सिक्स यदि हमें निकालने कह दिया तो ये भी हो गया वन बाय टू। यदि कॉस पाई माइनस पाई बाय सिक्स पाई माइनस पाई बाय सिक्स कहेगा तो इसको लिखेंगे माइनस कॉस पाई बाय सिक्स, समझ गए बच्चे, माइनस कॉस पाई बाय सिक्स।
आपका पाई बाई सिक्स कितना रूट थ्री बाई टू कॉस पाई बाई सिक्स रूट थ्री बाई टू। यदि मान लो हमें टेन थ्री पाई माइनस पाई बाई फोर कह दिया तो इसको क्या लिखेंगे माइनस टेन पाई बाई टू और ये हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से यदि मान लो हमें कॉस सेवन पाई माइनस पाई बाई थ्री लिखने कह दिया तो इसको लिखेंगे माइनस कॉस पाई बाई थ्री और ये हो जाएगा माइनस वन बाय। तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहले पहचानते हैं ये गया क्या गया सेकंड में, फिर पूछेंगे किसको भेज रहे और सेकंड में क्या होगा निगेटिव होगा तो माइनस लगा दें और उसके बाद ये जो थीटा है तो फिर उसकी वैल्यू तो हमें मालूम होती है। तो इस तरह से सेकंड क्वाड्रेंट का हम काम करते हैं। यदि कोई एंगल मिसाल के तौर पे r पाई प्लस पाई बाय 3 है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में साइन निगेटिव तो थीटा ले लो साइन थीटा कॉस r पाई प्लस थीटा माइनस कॉस क्योंकि थर्ड में कॉस भी निगेटिव बट tan r पाई प्लस थीटा tan थीटा हो जाएगा ये पॉजिटिव होता है तो cot भी क्या होगा cot r पाई प्लस थीटा ये भी पॉजिटिव cot थीटा तो sec r पाई प्लस थीटा ये आ जाएगा माइनस sec थीटा फिर cos r पाई प्लस थीटा ये दे देगा माइनस cos। तो सवाल में कैसे इंटीग्राइज होता है जरा देखो मिसाल के तौर पे कह दिया साइन सेवन पाई प्लस पाई बाई सिक्स तो ये पहचान लिए थर्ड में है थर्ड में साइन निगेटिव माइनस साइन पाई बाई सिक्स और ये क्या हुआ माइनस वन कह दिया टेन इलेवन पाई प्लस पाई बाई फोर और पाई प्लस थीटा आ गया क्या कहेंगे टेन पाई बाई फोर थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो गया वैल्यू वन। तो इस तरीके से हम लोग ऑड पाई का और इवन पाई का यूटिलाइजेशन करते हैं। जब मान लो साइन इवन पाई माइनस थीटा है ये चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ में साइन निगेटिव माइनस साइन कॉस इवन पाई माइनस थीटा कॉस थीटा क्योंकि कॉस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो सेक भी क्या होगा मियां पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो गया सेक थीटा। अब देखो कॉस इवन पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा टेन इवन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा क्योंकि फोर्थ में टेन भी निगेटिव लिहाजा कॉट भी क्या हो जाएगा इवन पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। इसका कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे याद देखो इसका कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे साइन फोर पाई माइनस फाइव बाई सिक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन फाइव बाई सिक्स यानी माइनस वन बाई टू। यदि कॉस सिक्सटीन पाई माइनस फाइव बाई थ्री क्या हो जाएगा कॉस फाइव बाई थ्री क्या हो जाएगा बच्चे वन बाई। तो इस तरीके से हम लोग फोर्थ सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट पता करके किसी भी हायर एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। जल्दी लिखो बच्चे संशय लंगू लिख लिया मिटा दो बच्चे खुशी मोहतरमा देखो बच्चे लोग जाने लग गए 39 पे आ गया 10 मिनट पहले ही। इसके बाद बोलेंगे भैया समझ नहीं आ रही। अक्षत मियां समझ आ रहा है अक्षत गुप्ता
मिटा दो बच्चे देखो बच्चे साइन माइनस थीटा तो सबसे पहले इसको देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो माइनस थीटा आ गया साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा यदि कर दिया तो ये माइनस साइन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया सेक माइनस थीटा sec थीटा हो गया फोर्थ में cos ऑफ sec पॉजिटिव tan माइनस थीटा है माइनस tan थीटा हो गया cot माइनस थीटा है माइनस cot थीटा हो गया cosec माइनस थीटा माइनस cosec तो इसका यूटिलाइजेशन कब है जब sin pi माइनस pi by 6 क्या है क्या करेंगे माइनस sin pi by 6 और ये हो जाएगा माइनस यानी कॉस माइनस पाई बाई थ्री करता ये हो गया कॉस पाई बाई थ्री और इसकी वैल्यू हो जानी है वन बाई यदि सेक माइनस पाई बाई फोर ये हो जाएगा सेक पाई बाई फोर और इसकी वैल्यू हो जानी है वन यदि टेन माइनस पाई बाई फोर ये हो जानी है माइनस टेन पाई बाई फोर और इसकी वैल्यू हो जानी है माइनस यदि cot माइनस pi by 6 का इसकी वैल्यू हो जानी है माइनस cot pi by 6 और ये हो जाएगा माइनस यदि cos माइनस pi by 6 का इसकी वैल्यू cos pi by 6 और ये वैल्यू हो जानी है माइनस तो अब आप समझ सकते होंगे किस तरह से हमें ऑपरेट करना पड़ता है और इनकी जरूरत क्या है जल्दी लिख लो मियां ठीक है ना बच्चे आकाश मियां माइनस थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा आता थर्ड में आठ पाई माइनस थीटा थर्ड में आठ पाई माइनस थीटा लिख लिया बच्चे
कल इस सवाल चैप्टर पे सवाल हम लोग अगले दिन बनवाएंगे जब क्लास होगी, और उससे पहले तुम लोग कुछ फॉर्मूले लिख लो, उसको रट किया। डेरिवेशन हमने ऑलरेडी कितनी बार बता रखे हैं, उसकी अब जरूरत नहीं है, ऐसे भी डेरिवेशन कहीं काम नहीं आता। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दूसरा है साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तीसरा है कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, चौथा है कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है बच्चे, ये सारे फॉर्मूले हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखे हैं, तो इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी टू साइन ए कॉस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी टू कॉस ए साइन बी। हम अगले दिन फॉर्मूले को रिपीट नहीं करेंगे, रट के आना। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी टू साइन ए साइन बी। अब देखो यहां से साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है बच्चे, उसके बाद tan a प्लस बी tan a प्लस tan b बाय वन माइनस tan a tan b, उसके बाद tan a माइनस b tan a माइनस टेन बी बाय वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, इतना हो गया। उसके बाद कॉस सी प्लस कॉस डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू कॉस डी माइनस कॉस सी टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू साइन सी माइनस साइन डी टू साइन सी माइनस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, ये चार फॉर्मूले हो। उसके बाद साइन टू थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा टू टेन थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला। कॉस टू थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर कॉस टू थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन,
cos 2 theta 1 minus 2 sin square theta, ये भी फॉर्मूला हो। उसके बाद 1 plus cos 2 theta 2 cos square theta 1 minus cos 2 theta 2 sin square theta cos 2 theta 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta tan 2 theta 2 tan theta divided by 1 minus tan square. चलो बच्चे आज इतना ही रख के आना, अगले लिख लो सब लोग। अगले क्लास में इतना ही याद करके आ जाओ, काफी है। फिर अगले दिन देखिए इससे ज्यादा। लिख लिया बच्चे? इंड कर दूं?